पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और राधा रानी हैं उनकी नित्य लीला संगिनी। राधा रानी ने ब्रज में अनंत लीलाएं की, जिनका श्रवण करके आचार्यगण व अनेक भक्तगण परम आनंद का अनुभव करते हैं। कुछ ऐसी ही लीलाओं में से एक है राधा रानी के श्रेष्ठ पद की प्रमाण लीला। गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी व भगवान कृष्ण आनंद विहार कर रहे थे कि तभी राधा रानी की पायल का एक घुंघरू टूटकर उनके चरणों में चुभ गया और वे वहीं सिंहासन पर बैठ गई। जब कृष्ण ने यह दृश्य देखा कि राधा रानी घुंघरू की चुभन से व्याकुल हैं, तो वे तीव्रता से उनके पास आए व उनके चरण स्पर्श करने लगे। यह आप क्या कर रहे हैं प्रिय? हे राधे, तुम मुझे अपने चरणों का स्पर्श करने से यूं रो क्यों रही हो? क्या इन पर मेरा अधिकार नहीं? ऐसा नहीं है, परंतु क्या तुम और मैं तो एक ही हैं? और तुम तो हर कार्य मेरी ही प्रसन्नता के लिए करती हो ना? तो तुम्हारे चरण के स्पर्श से तो मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे इस आनंद से यूं वंचित ना रखो, मुझे यूं ना रोको। परंतु आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यदि आप मेरे चरण स्पर्श करेंगे। कदाचित तुम तो भूल गई राधे, हमारी पौगंड आयु की अंतिम अवधि की लीला में मैंने तुम्हारे श्रेष्ठ पद को प्रमाणित किया था। स्मरण करो। समस्त आराधनाओं का सार है तुम्हारी आराधना। यदि कोई तुम्हें अप्रसन्न करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो वह निष्फल है। तुम्हारी कृपा दृष्टि के बिना कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तुम सभी गोपांगनाओं में श्रेष्ठ हो, इतनी श्रेष्ठ कि तुम मैया से भी महान हो। आपका चरित्र तो सच में लंपट प्रतीत होता है। आपकी बातों पर कैसे विश्वास करूं? यशोमती आपकी जननी है। आखिर किस प्रकार आप ये बात कह सकते हो कि मैं उनसे भी महान हूँ? वह भले ही तुम्हें अपनी पुत्री कहती हैं, परंतु बहुत जल्द तुम देखोगी कि वह तुम्हारे चरण पकड़ने आएंगी। और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की महानता प्रमाणित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला प्रकट की। एक समय कुछ गोपियां राधिका व कृष्ण को एक साथ मिलाकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करने लगी। सभी गोपियां घर के आंगन में कृष्ण को नाचने के लिए वाद्य करने लगी व उनके साथ गाने व नृत्य करने लगी।
कैसा आचरण है। मेरा गोपाल पूरा दिन गांव चराता है। देखो इस समय कितना थका हुआ है। इसका विश्राम भंग करके तुम इससे यहाँ नृत्य करवा रही हो, यह बिल्कुल उचित नहीं है। आपने पूर्णतः सत्य कहा। आपका पुत्र गोपाल एक गोप बालक है। वह गौवें चराकर थक गया है। वह इस समय अपनी शैया पर सो रहा है। यह कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। हाँ, आपके पुत्र का नाम भी कृष्ण है, ठीक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस संसार में इस नाम का केवल एक आपका पुत्र ही हो। आप अपने महल जाकर देखिए, हो सकता है आपका पुत्र वहीं विश्राम कर रहा हो। एक से अधिक का नाम कृष्ण हो सकता है, किंतु ये कैसे संभव है कि उनका चेहरा, नेत्र, नासिका, मुखादि एक समान हो। मेरा गोपाल है या नहीं यह निश्चित कर लेती हूँ पहले। महल पहुंचकर यशोदा माता विस्मित होकर देखती रही कि सखियों की बातें बिल्कुल सही थी। उनका पुत्र कृष्ण शैया पर सो रहा था। वह यह देखकर चकित थी, परंतु साथ ही अपने गोपाल को यथास्थान पाकर प्रसन्न भी थी। मैं व्यर्थ ही उन्हें दोष दे रही थी। ये गोपियां तो सत्य कह रही थी, मेरा लल्ला तो यही है, परंतु वह किसे ले आई जो बिल्कुल मेरे कृष्ण के समान है। जो भी है, ये सब बहुत मनोरंजक है। वह सखियों के पास वापस गई। हे गोपियों, तुम्हें ये कृष्ण कहाँ से मिला जो हर दृष्टि से मेरे पुत्र के समान है। वही केश, वही आभूषण और वही श्याम वर्ण, आयु भी एक समान, आचरण व चाल भी एक ही जैसी। मैं तुम्हारे इस कृष्ण के प्रति वही स्नेह अनुभव कर रही हूँ जो अपने कृष्ण के लिए करती हूँ। तुम अपने इस कृष्ण को लेकर महल के आंगन में आओ। हम दोनों कृष्ण को एक साथ मिलाकर उनके बीच मित्रता कराएंगी। मेरा लल्ला बहुत प्रसन्न होगा। दोनों साथ नृत्य करेंगे तो कितना आनंद आएगा। इसके बाद तुम अपने कृष्ण को ले जाना वह मेरे लल्ला को वहीं छोड़ देना। हे माता, आप हमें हमारे कृष्ण को आपके महल लाने के लिए कह रही हैं, किंतु इससे हमें भय लग रहा है। हाँ राधे, जब दोनों कृष्ण एक साथ नृत्य करने लगेंगे तब हम कैसे पहचान पाएंगी कि हमारे कृष्ण कौन है। अगर दोनों कृष्ण बदल गए तो यदि ऐसा होता भी है तो हानि क्या है, गुणों में तो दोनों समान ही है। नहीं नहीं, आपका पुत्र कृष्ण एक चरवाहा है जो सारा दिन ब्रज के वनों में गौवे चराता है। उनको प्रेम व प्रेम तत्व के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। किंतु हमारे कृष्ण सभी पुरुषों में
अतुलनीय रत्न मणि के समान है। वे प्रेम के स्रोत है, वे पुरुषोत्तम है। मेरे कृष्ण में भी ये सभी गुण हैं। देवतागण भी मेरे कृष्ण के दर्शन हेतु आते हैं। हम अपने नटवर नागर को आपके पास छोड़ उस ग्वाले को अपने साथ नहीं लाएंगे। उसे कहाँ नृत्य गान की समझ होगी? मेरे कृष्ण में इस तरह वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं। अतः राधिका, हम अपने कृष्ण के मस्तक पर एक चिन्ह अंकित कर देती हैं, जिससे इन्हें पहचानने में भ्रांति ना उत्पन्न हो। राधा रानी कृष्ण के मस्तक पर चंदन के लेप द्वारा एक चिन्ह अंकित कर देती हैं। कृष्ण के नीले मस्तक पर लगा वह श्वेत चिन्ह किसी नीले पर्वत के पीछे से उदय होते चंद्रमा के समान लग रहा था। यशोदा माता, गोपियां, राधा रानी व कृष्ण सभी महल के आंगन में पहुंचे और वहां यशोदा माता के कृष्ण अब भी शैया पर विश्राम कर रहे थे। मैया ने लल्ला को जगाया व दोनों की भेंट करवा नृत्य की अभिलाषा की। जब दोनों साथ खड़े हुए तो उनकी आभा दो झिल मिलाते नीलमणि के समान दिखाई दे रही थी। हर कोई उनके नृत्य को देख आश्चर्यचकित था। किसी ने भी कभी ऐसा अपूर्व दृश्य प्रत्यक्ष नहीं देखा था। और अचानक यशोदा माँ के कृष्ण गोपियों के कृष्ण में लीन हो गए एवं दोनों एक रूप में परिणत हो गए और नृत्य समाप्त होने पर राधा रानी व सखियां मस्तक पर अंकित चिन्ह वाले अपने कृष्ण को ले जाने के लिए तैयार हुईं। जब यशोदा मैया ने अपने कृष्ण को वहां नहीं देखा तो उन्होंने विह्वल हो रोना प्रारंभ कर दिया। मेरा कृष्ण, मेरा लल्ला कहां गया? अभी तो यही था, कहां गया? नहीं, तुम वापस लौटाओ मेरे कृष्ण को। माता, ये तो हमारे कृष्ण हैं, ये आपके पुत्र नहीं।
देखिए इनके ललाट पर चंदन बिंदु का वह चिन्ह भी है जो हमने आपको साक्षी मानकर अंकित किया था। नहीं, तुम सब मिलकर दोनों से नृत्य करा रही थी। राधा, तुम तो हर कला में निपुण हो ना, कहीं तुमने तो मेरे कृष्ण को कहीं छुपा तो नहीं दिया? नहीं नहीं माता, यह आंगन दीवार द्वारा चारों ओर से घिरा है, कोई कैसे उन दोनों को कहीं ले जा सकता है? और हम तो आपके सम्मुख ही थी ना। तब माता यशोदा अत्यंत गंभीर हो गई, वह करुण स्वर में सविनय बोली, राधा, मेरे 5-7 पुत्र नहीं, मेरा तो एक ही लल्ला है, वह हम दोनों माता पिता के वृद्ध हाथ को सहारा देने वाला लाठिया है। हे विनोदिनी राधा, मेरे प्राण मेरे शरीर से निकलने ही वाले हैं, मेरे कृष्ण को लौटाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं माता से कहा, आप ब्रज की रानी हैं, आप मेरी वयोवृद्धा हैं, मेरी पूजनीय माता हैं, आप मेरे चरण स्पर्श ना करें, मेरे लिए यह बहुत बड़ा अपराध है। तो तुम यथाशीघ्र मेरे लल्ला को लौटा दो, फिर तुम समस्त अपराधों से मुक्त हो जाओगी। किंतु मैं कुछ नहीं कर सकती माता। यह सुन यशोदा माँ रोते रोते मूर्छित हो गई। हे प्रिय, यह सब क्यों? ये आपकी माता है, आपकी जननी है, और आपके सामने प्राण त्याग रही है। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं? उद्विग्न ना हो राधे, मेरी मैया अभी कहीं नहीं जाने वाली। मैंने तुम्हें जो बताया है तुम बस वही करो। माता उठिए, आपका कृष्ण आ गया है। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है मेरा लल्ला? वो आपका पुत्र हमारे कृष्ण के साथ नृत्य करते करते थक गया होगा और अपने शयन कक्ष में चला गया होगा। हो सकता है वह अपनी शैया पर विश्राम कर रहा हो, आप जाकर देखिए। यह सुनते ही यशोदा तत्काल कृष्ण के शयन कक्ष में गई और उन्हें वहां सोता देख बहुत प्रसन्न हुई, वह स्नेह आलिंगन करने लगी। देखा राधे, मैया को तुम्हारे आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। स्मरण हुआ राधे, अब तो आप मानती हैं ना कि आप कितनी श्रेष्ठ हैं। मैया वात्सल्य भाव में है, वह मेरे अनेक भक्त भिन्न भिन्न भाव में रहकर मेरी सेवा करते हैं। इन सभी का लक्ष्य मेरी प्रसन्नता है, परंतु आज मैं घोषणा करता हूँ कि कोई यदि कोई किसी भी भाव में हो, तुम्हारी आराधना किए बिना वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। राधे, तुम्हारी प्रसन्नता
सर वो परी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यह प्रमाणित किया कि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कृपा दृष्टि के बिना कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है, अर्थात हम सभी राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्रीमती राधा रानी की। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सब सुनिए, आज मुझे स्वप्न में परम शिरोमणि भक्त श्री शंकर महादेव ने यह आदेश किया है कि ओ नित्यकाल पंडित, एक सौभाग्यपूर्ण भक्तों का दल वृंदावन के दर्शन करने की तीव्र इच्छा के साथ केशी तीर्थ के पास एकत्र हो गया है। उनके हृदय पूर्णतः कृष्ण प्रेम में लिप्त हैं। वही कृष्ण जो सभी बांसुरी वादक के परम शिक्षक हैं, वही कृष्ण जो एक प्रमत्त कोकिला के समान सुगंधित पुष्पों के बीच लीलाएं रचता है, सभी युवकों में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे लगता है आप ही वह भक्तों का समूह है जो इस कृष्ण की ऐसी अनेक लीलाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। माननीय, आपके नाटक श्री विदग्ध माधव के अभिनेता नाटक के प्रयोग अनुसार तैयार हैं और रंगमंच पर आने के लिए आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस कुछ पल और। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हे भक्तजन, मैं स्वाभाविक शूद्र व्यक्ति हूँ, परंतु फिर भी मेरे द्वारा रची गई यह श्री कृष्ण की गुणमयी रचना आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति करेगी। अब मैं श्री कृष्ण का स्मरण करके मैं नित्य माधुरी का आनंद प्रकाशित करूंगा। चलिए महाशय, देखिए देखिए, यह वैसे ही वसंत की रात्रि का समय है। पूर्णमासी की तिथि है जिसमें सारे नक्षत्र श्री कृष्ण और राधा के संगम में सहायक होते हैं। बिल्कुल, देखो इसी कारणवश श्री संदीपनी की माता नारद मुनि की शिष्या राधा और कृष्ण के संयोग की सेवा में सहायक भगवती पूर्णमासी वहां से चलती आ रही है। आओ तुम और मैं चलकर देखें कि सब पात्र नाटक के प्रस्तावना के लिए तैयार हैं या नहीं। नंदी, नंदीमुखी, पुत्री तुम कहाँ हो? जी भगवती, मैं यहाँ हूँ। आप इतनी चिंतित क्यों हैं? मैं युगल जोड़ी का नव संगम करवाना चाहती हूँ। भगवती, यदि आप वृषभानु नंदिनी श्री राधा का श्री कृष्ण के साथ मिलन कराना चाहती हो, तो राधा के मिलन के अनुकूल गोकुल छोड़ शांतनु तीर्थ में क्यों वास कर लिया? राजा कंस के भय से, परंतु अब राधा को गोकुल ले आया गया है। भगवती, राधा का विवाह जटिला के पुत्र अभिमन्यु से कराया गया है। आपको नहीं लगता राधा का कृष्ण के अपार किसी भी पुरुष के साथ संग होने देना अनुचित है? यह तो सब योग माया द्वारा रचाई गई एक मिथ्या है। वास्तव में तो राधा तथा सभी वैवाहिक गोपियां कृष्ण के प्रियसी हैं। अब तो कंस का भय दूर हो गया,
राधा कृष्ण के मिलन में अब एक ही केवल बाधा है। वह क्या? अभिमन्यु। ये जानकर कि गोपियों के बीच एक मधुकर है, अभिमन्यु ईर्ष्यालु हो गया है। इसका भी समाधान योग माया कर ही लेंगी। वह स्वतंत्र है, उसके चरित्र को कौन जाने। हम ऐसे हाथ हरे तो नहीं रह सकते। वह इस विषय में नहीं आई तो दूसरा उपाय क्या है? पुत्री, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने गंभीर और मधुर वचनों से अभिमन्यु को वश में कर लूंगी। पुत्री, अब तुम्हें मेरी सर्वस्व श्री राधा का कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने में नियुक्त हो जाना चाहिए। भगवती, श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा का अनुराग तो अतिशय बढ़ चुका है। तुम ये कैसे जानती हो? जब कभी बातचीत में वह श्री कृष्ण का नाम सुनती है तो वह पुलकित हो एक अनिर्वचनीय भाव में मग्न हो जाती है। यह बात तो सत्य है, क्योंकि कृष्ण नाम के क्रि और श्न, ये दो वर्ण जब मुख में नृत्य करते हैं तो अनेक मुखों की प्राप्ति की तीव्र लालसा जाग उठती है। कानों में अंकुरित होने पर कोटि कान प्राप्त करने की इच्छा रहती है। जब चित्र रूपी प्रांगण में पहुंचते हैं तो समस्त इंद्रियों को चेष्टा रहित कर देते हैं। देखिए देखिए, बलराम, मधुमंगल, श्रीदाम आदि के साथ कृष्ण गोकुल छोड़ वृंदावन की ओर आ चुके हैं। माता यशोदा और नंद बाबा भी उनके साथ हैं। इनके आगमन की तैयारी में हमें कृष्ण और राधा के संगम की योजना करनी होगी। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? चित्र बनाने में विशाखा पूर्ण है, तो मेरी ओर से कह दे कि वह अपनी सखी श्री राधा के नेत्र कमलों को आनंद देने के लिए कृष्ण का एक चित्र तैयार कर दे। जैसी आज्ञा भगवती। मैं लड्डू बांटने के बहाने वृंदावन जाती हूँ और रा धा इन अक्षरों से कृष्ण को आनंदित करूंगी। चल। अच्छा मैया, मैं जा रहा हूँ गौ चराने। चला तो तू जा, पर पुत्र, तीन पहर बाद भी तुझे घर की याद नहीं आती। मैं कितने प्रेम से मिष्ठान बना रखती हूँ, परंतु रोजाना ठंडे हो जाते हैं। मैया, मैं गौओं की शपथ खाता हूँ, इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है। यह उन सभी से अति आकर्षित हो कुंज में चले जाते हैं। मधु, गैया हमारी प्रतीक्षा कर रही है, विलंब ना करो। जब भी कान्हा बांसुरी अपने अधरों से लगाता है, अरे देखो तो, सभी वस्तुएं अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करने लगी हैं। यमुना का जल पहना छोड़ पत्थर समान हो गया है और यह पत्थर पिघले जा रहा है। यह अचल पहाड़ अब चलनशील हो रहे हैं। हाँ, वास्तव में ये गैया भी खुशी के मारे नाच रही हैं। देखो देखो, तुम इतना घमंड किस बात का करते हो? यह सब शक्तियां तो बांसुरी की हैं, उसका स्वभाव है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। कान्हा, अब वास्तव में मुझे बहुत भूख लगी है। यह वृंदावन इच्छा पूर्ति स्थान है, इसे प्रणाम करो।
सब कहते हैं कि तुम हमेशा सत्य बोलते हो। चलो मैं जांच करके देखता हूँ। हे लताओं, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मेरा मित्र कृष्ण भूख से आतुर हो रहा है, तुम इसे चीनी के लड्डू प्रदान करो। हे चंद्रमुख कृष्ण, रसना को तृप्त करने वाले इन लड्डुओं को ग्रहण करो। तो देखी तुमने इन लताओं की वदान्यता। बलराम, वृद्ध गोपी की वदान्यता ऐसे कहो। कौन वृद्ध गोपी? चंद्रमुख, वह मुखरा। उन्होंने क्यों अचानक ये लड्डू भेज दिए? मुखरा ने अपनी दहिता का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया है। कौन है वे दोहित्री? राधा नामक आनंदमय चंद्रिका। मुझे विषय बदलना होगा। आज आप सब गोपियों को वसंत के आगमन की खुशी में स्वयं को मूल्यवान आभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए। ओह, वसंत से याद आया, राधा और अन्य गोपियां इस कुंज के कुछ पुष्प चयन हेतु आएंगी। कैसे? उस मनहारिणी का नाम अकस्मात बार बार आता रहता है। न जाने राधा का नाम लेने मात्र से ये क्यों इतना उत्कंठित होता है? इतने लालयित से क्यों होते हो कृष्ण? मैं किस पे लालयित हुआ भला? अरे, क्रोधित क्यों होते हो? मैं तो इन सरस मनोहर लड्डू की बात कर रहा हूँ। तुम सखा जन यह पाओ, मैं प्रस्थान करती हूँ। ओ सखी, मालूम होता है यह वही वृंदावन है जिसके माधुर्य की चर्चा तुम मेरे आगे बार बार करती थी। हाँ सखी, यह वही कृष्ण का लीला कानन है। आह, कैसा माधुर्य इन दोनों अक्षरों में। यह कृष्ण का नाम है। अहो, जिसका नाम ही सुंदरियों के चित को इस प्रकार विमोहित करने वाला है, ना जाने वह स्वयं नामी कितना सुंदर होगा। ललिते, चलो निकुंजों में कुछ पुष्प चयन करने चले। राधे, तुम त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो, तुम इन निकुंजों में मत परवश करो। यहाँ एक कुंज विहारी देवता रहता है जो निशंक होकर सभी युविकाओं को आकर्षित करता है। लगता है तुम भी उससे आकर्षित हुई हो, तभी यह सब जानती हो। इस ध्वनि में यह कैसी मोहनी शक्ति है। आहा, यह तो पहली बार में जाल में फंस गई। क्या हुआ, इतनी विवश क्यों हो रही हो? धीरज धर प्यारे हृदय, यह निकुंजों में से अचानक एक ध्वनि ने मेरे कानों में प्रवेश किया है। मुझे एक विचित्र अवस्था प्राप्त हो गई है। यह तो मुरली ध्वनि थी। यह तो शस्त्र के बिना ही काट देने वाली थी, अग्नि के बिना ही जला देने वाली थी। यह कैसी मुरली वाणी? मैं मुरली वाणी से अज्ञात थोड़ी हूँ, क्यों मुझे मूर्ख बनाती हो? यह अवश्य ही कोई मोहन मंत्र पढ़ रहा है। मेरे हृदय में तो पीड़ा हो रही है, मैं जाकर सोती हूँ। राधे, तुम्हारी वेदना को मिटाने वाली औषधि ये देख मेरे हाथ में। आ, इन लताओं की छांव में बैठकर इसे देखें। ओ
ओ मेरे मन, जिसके चित्रपट को देखकर तेरी यह दुर्दशा हुई है, फिर भी तू उससे प्रेम करती है। इस वेदना का कारण हमसे क्यों नहीं कहती राधे? बोलो राधे, क्या हुआ? तुम्हें यह पूछते हुए शर्म नहीं आती? मुझसे तुम्हारा क्या अपराध हुआ है भला? याद करके तो देख। राधे, बहुत सोचने पर भी मुझे तो कुछ स्मरण नहीं हो पा रहा। झूठी, चित्रपट के सर्पों के स्वामी का संग करने वाली? अवश्य ही, तुम्हारी ये दशा क्षणिक है। क्यों अपने दोषों को छुपाती है? मैं लता के नीचे बैठी थी तो यह नागर चंचलता से मेरे पास आने लगा। कभी मेरे आंचल को खींचता तो कभी बिना पल के झपकाए मुझे देखता रहता। मैं ना 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 ही करती रही, पर वह रुका नहीं। फिर मुझे होश नहीं रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? वह कृष्ण, फिर वह वेणु बजैया, और फिर यह चित्रपट वाला श्यामल किशोर। उन तीनों पुरुषों से अनुराग करते हुए तू लज्जित नहीं होती? मुझे अपने शरीर को नष्ट ही कर लेना चाहिए। अरे, हम पर विश्वास रखो, तुम्हारी मनोवांछा अवश्य ठीक होगी। परंतु हमें सब बात बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशान किए है? मुझे लज्जा रोकती है। हमसे अधिक स्नेह भी तुम किसी से करती हो क्या? चलो बताओ, क्या बात है? एक पुरुष के कृष्ण इस नाम अक्षर ने मेरे कानों में घुसते ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और दूसरे पुरुष की वंशी ध्वनि ने मुझ में उन्माद पैदा कर दिया है, और फिर तीसरा वह घनश्याम कांति वाला चित्रपट वाला पुरुष, वह देखते ही मानो हृदय से लिपट गया। हाय, धिक्कार है मुझ पे। एक तो पर पुरुष, उस पर तीन तीन पुरुषों में प्रीति। तुम ही कहो, इससे तो मर जाना ही अच्छा है ना? मैं जानती ही थी तुम्हारी जैसी गोकुल सुंदरियों का गोकुल नंदन के पश्चात किसी में भी अनुराग कहां संभव है। वह वंशी वजैया श्याम वर्णधारी कृष्ण नामक एक ही पुरुष है। सत्य कहो, कहीं मेरा मन रखने के लिए तो ऐसा नहीं कह रही? शत प्रतिशत। आओ, अभी यहाँ से चलो। क्या राधा की दुखद स्थिति पर तुमने विचार किया है? यह राधा मोर पंख को देखकर कांपने लगती है, गुंजा फूलों को देखते ही बार बार इसके नेत्र में जल भर आता है। न जाने इस राधा के हृदय में कौन सा असुर वास कर नृत्य कर रहा है। यह उसी मुकुंद के नवीन अनुराग की अपूर्ण चंचलता है। हाँ, आप ठीक कहती हैं, यह अवश्य ही किसी दानव का कार्य है। इसका फिर क्या इलाज है भगवती? दानव शत्रु कृष्ण की एक नजर ही इसका इलाज है। वो कुटिल जटिला तो यह बात स्वीकार ही ना करेगी। तुम उसे बोल दो कि ये सब मेरी आज्ञा से होगा। जी। ओ नंदी मुखी, राधा का हृदय गंभीर प्रेम तरंगों से आंदोलित हो रहा है, यह बात पक्की समझो। यह सब अनुराग वीर कृष्ण के प्रेम के कारण है।
इस प्रकार के भाव विज्ञान को समझने में मैं तो मूर्ख हूँ। सत्य कहा, नंद नंदन का प्रेम जिसके हृदय में पैदा होता है, उस प्रेम की पीड़ा और मधुरता को केवल वही व्यक्ति ठीक ठीक जान सकता है। आ, हम इस राधा के अनुराग की परीक्षा ले। राधे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हारा पति अति प्रेमवान है, तुम गोकुल में सुचरित्र के लिए प्रसिद्ध हो, और तुम्हारे कुल में जैसा काम किसी ने नहीं किया उसे करने का दुस्साहस तुम्हारी बुद्धि में कैसे पैदा हुआ? एक तो मैं पहले ही व्याकुल हो रही हूँ, ऊपर से आप मुझे दोष दे रही हैं। मुझे आपके चरणों की शपथ है कि इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, मैं पतिव्रता ही हूँ। कृष्ण को देखकर क्यों मुखुद हो जाती हो? उसे सखत रमणी बनकर क्यों दंड नहीं देती? माता, मैं तुमसे क्या कहूँ? मैं यदि चिल्लाती हूँ तो वह बलवान झट अपने हस्त कमलों से मेरे मुख को बंद कर देता है। यदि मैं भयभीत होकर भागना चाहती हूँ तो अपनी भुजाओं को फैलाकर मेरे आगे का रास्ता रोक लेता है। भगवती, तुम ही बताओ, मैं उस मोर मुकुटधारी से अपनी रक्षा कैसे करूं? राधे के हृदय में निश्चय ही प्रेम वृक्ष की जटें पक्की हो चुकी हैं। राधे, बैठकर पुष्प दल पर एक पत्र लिखो, जिसे अपने सखियों के हाथ कृष्ण को भेज दो। जब से नेत्रों ने अकस्मात राधे के रूप को देखा है, तब से मेरी बुद्धि अन्य सब विषयों से विरक्त सी हो गई है। इस मधुमंगल को माला लाने के लिए भेजा था, न जाने कहां रह गया। कृष्णा, मैं कब से तुम्हारे आगे चिल्ला रहा हूं, तुम फिर भी मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? इस मोहक चंपकलता बेल के कारण मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। हे सखा, थोड़ी देर के लिए टेढ़ापन छोड़ दो, सीधे बोलो, किस लिए निराश हृदय हो रहे हो? मधुमाला के बिना। माला नहीं, कहो बाला के बिना। व्यर्थ आशंका मत करो सखा। तुम्हारे मस्तक से मोरपंख पृथ्वी पर गिर गया है और तुम्हें उसका पता तक नहीं है, और जिस माला की तुम बात कर रहे हो वो भी तुम्हारे गले में डाल चुका हूँ। मैं जान चुका हूँ कि यह राधा के नेत्रों का ही प्रभाव है। मैं सत्य बताता हूँ, जैसे समुद्र में तूफान आने से उसका जल गंगा की तरफ उल्टा प्रवाहित होता है, इसी प्रकार राधा ने मेरे मन की गति को शुद्ध कर दिया है। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा है? सत्य बोलना। नहीं मित्र, दूर से इसके मुख चंद्र मंडल पर मेरे नेत्र केवल पहुंचे ही थे कि उतने में ही मैया ने कोटि कोटि शपथ देकर भोजन ग्रहण करने के लिए बुला लिया। एक बात बता, अनेक सुंदर सुंदर गोपियां मौजूद हैं, फिर भी तुम्हारा मन केवल उस राधा में क्यों अनुरुक्त है? क्या कहूं, राधा में कुछ अनिर्वचनीय माधुरी है,
उस राधा के उज्जवल मुख पर तथा मनोहर नेत्रों पर जब से मेरी दृष्टि पड़ी है, मैं सत्य कहता हूं, चंद्रमा और कमलों की सुंदरता को देख मेरा मुख बिगड़ जाता है। सखी देखो देखो, सौभाग्यवश श्री कृष्ण सामने ही विद्यमान है। चलो इनके निकट चलें। पुष्प पत्र लेने हेतु वृंदावन में आई हूं सखी ललिते। जानकर भी अनजान बनते हो, यह लो कुसुम सुगंधित पत्र। हे मन आश्वस्त हो, तसल्ली कर मित्र, पढ़ना इस पत्र को। हे सुंदर, तुम चित्रपट के रूप में मेरे भवन में निवास करते हो। जैसे जैसे चकित होकर मैं उधर इधर भागती हूँ, वैसे ही वैसे उधर आकर तुम मुझे रोक लेते हो। कुल स्त्रियां धर्म पालना होती है, जांचता हूं मैं सब सखाओं के साथ गौवें चराने के लिए वन में विहार करता हूं। मेरा चित तो कभी भी स्त्री की वार्ता में जाता ही नहीं। तो भी अगर ये रमणियां हमें बदनाम करती हैं, तो मुझे लगता है मुझे अन्य वृद्ध गोपियों को यह सब बताना होगा। हे ब्रह्मचारियों के शिरोमणि, इन प्रचुर गोपियों को मैं अभी भगाई देता हूं, परंतु माता यशोदा को तो हमें सब बता ही देना चाहिए। सखी विशाखा, मेरी और राधा की कभी आंखें भी चार नहीं हुई हैं, आंख से आंख देखा भी नहीं है, फिर कहो कैसे मैं उसे चारों ओर से रोक लेता हूं। मेरा अनुमान है किसी दूसरे ही नागर ने उसके मन को चंचल कर रखा है। हे कमल नयन, इस ब्रह्मंडल में दूसरा कौन तुम्हारे समान बलशाली श्रेष्ठ पुरुष है, जो बलपूर्वक हम जैसी स्त्रियों के चित को वश में कर सके। जब से आपने अपने बल से गोवर्धन को उठा लिया था, तब से ही सारी सती स्त्रियों ने तुम्हें ही अपना निर्धारित कर लिया था। ए, ठहर जा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब गोपों ने लाठी लगाकर गोवर्धन को धारण किया था। तू क्यों केवल कृष्णा की प्रशंसा कर रही है? आप समस्त गोकुल को सुख देने वाले हैं, तो फिर अकेले क्यों श्री राधा दुख भोग करती है? बुद्धिमती राधे, इस कपटी में क्यों तुम्हारा प्रेम बढ़ गया है? मेरा मित्र जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, वह धर्म का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए इस रोदन को बंद करो। और कितना मान चाहते हो तुम? यह सब करने का क्या प्रयोजन? अचानक ऐसे लग रहा है कि मैंने सब गलत कर दिया है, क्या करूं? चलो अब तुम भी एक पत्र लिखो। ओ मित्र,
जिसको जाल में फंसाना चाहते थे वह अपने ही हाथों में पड़ गई। देखो। ठीक कहा। आओ वृक्ष की ओट में सुने ये क्या कहती है। विशाखा, कभी वार्तालाप में मुझ अभागिनी को भी तुम याद कर लिया करना। सखी, तुम्हें तो सब धैर्य धारण करने वाली कहते हैं, फिर तुम क्यों इस प्रकार परेशान हो रही हो? उस धूर्त ने मुझे गुणहीन कर दिया है। हाय रे पूतना घाती, हम तो अपने बाली स्वभाव से घरों में ही खेलती रहती हैं, भला बुरा कुछ नहीं जानती। हमें इस प्रकार की आश्रय रहित अवस्था में छोड़ना, निराश्रय करना क्या तुम्हें उचित लगता है? हमसे यह सब देखा नहीं जा रहा राधे। सखी, कृष्ण यदि मेरे प्रति निष्ठुर हो रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? अब वृथा रो मत। मेरे जाने के बाद मेरे इस शरीर को तमाल वृक्ष के साथ बांध के लटका देना, जिससे कि वृंदावन में ही मैं चिरकाल तक वास कर सकूं। तो देखी तुमने प्रेम की पराकाष्ठा। विशाखे, एक बार मुझे उस चित्रपट के दर्शन करा दे। वह चित्र तो अभी यहाँ नहीं है। तब तो उसका ध्यान ही करना होगा। राधे, हाय, जिसके लिए तू पीड़ा भोग रही थी और जिसके प्रेम की दावाग्नि में तुम्हारा कोमल शरीर जला जा रहा था, वह मोर मुकुटधारी वृंदावन बिहारी तुम्हारा प्राण धन तुम्हारे सामने खड़ा है। स्वप्न भी कितना मधुर है। अरे यह कैसा स्वप्न है जो बिना नींद के दिख रहा है। ठीक है रे हृदय, ठीक है, तूने क्षण भर की देर कर दी। कार्य आरंभ करने में जो हाथों को चलने नहीं देती, जो हमें अपने पति के पास से भी आकर्षित कर लेती है और जिसे सुनते ही सब कार्य और स्त्रियां इसकी ओर चल देती हैं, गोकुलानंद की वह धूर्त मुरली आज मेरे वशीभूत हुई। कहां से आ रही है? मुखरा,
मुझे तो यहां से भाग जाना चाहिए था। हे आर्य, कौन है आर्य आर्य कहकर खुट खुट कर रहा है? आर्य, सुख पूर्वक तो होना। मोहन, जब तक तुम्हारी वंशी मौन नहीं लेती तब तक हमारा सुख कहाँ? वंशी ने क्या अपराध किया है आर्य? यह बात तू इन समस्त गोकुल बालिकाओं से पूछ। करनी चंद्रों में वंशी की आवाज पहुंचते ही बारंबार रोकने पर भी ये वन की ओर भाग खड़ी होती हैं। सचमुच मुखरा नाम ठीक रखा है तुम्हारा। मोहन, संध्या के समय तुम्हारा यहाँ आना मुझ में शंका पैदा कर रहा है। व्यर्थ आशंका ना करो, मुझे पूर्णमासी ने बताया कि तुम्हारे आंगन में एक हिंडी भ्रमण कर रही है। ओ नंद नंदन, प्रभात में आकर उसे देखना। अब जाओ, मैं तो चली, मुझे नींद आ रही है। तुम शोर करना बंद करो। क्या आपको भी कुछ अधूरा लग रहा है? लग रहा है कि अभी लीला आगे स्फुरित होगी? जी हाँ, होगी और हमेशा होती रहेगी। यह नित्य लीला है, इसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। आप जितने गहरे गोते लगाना चाहते हैं उतने गहरे लगा सकते हैं। श्रीमती राधा रानी परम करुणामयी हैं, हर किसी को एक पात्र बना लेती हैं। जय जय श्री राधे। अरे रुकिए रुकिए, अभी विराम नहीं हुआ है, अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना तो बाकी है। वो क्या? इन सब को हमारे किरदारों से मिलवाना। आइए, ये अपने आप को स्वयं ही आपसे परिचित करेंगे। मैं राधा की नानी यशोधा की धात्री हूँ। उम्र तो मेरी हो गई है, पर मेरी आँखों और सुबुद्धि पर कोई संदेह मत रखना। मैं नंद की पत्नी और सर्व आनंद प्रदायक कृष्ण की माता हूँ। कृष्ण ने चाहे मेरे गर्भ से जन्म ना लिया हो, परंतु सदैव मेरे साथ अनेक लीला कर माता का सुख प्रदान किया है। मैं संदीपनी मुनि और सुमुखी माता की कन्या और मधुमंगल की बहन हूँ। मैं श्री कृष्ण की दुतियों में से एक हूँ। मैं अनेक प्रकार के मिलन कार्य में कुशल हूँ तथा अनेक शिल्प कार्य के प्रयोग से श्री राधा कृष्ण के मिलन कराने में नियुक्त रहती हूँ। मैं कृष्ण की दुतियों में से एक हूँ। मैं नाना प्रकार के खोज खबर में कुशल हूँ। श्री राधा और कृष्ण का मिलन करवाने में मिलने के स्थानों की सजावट में पंडिता हूँ। मैं मधुमंगल, संदीपनी पुत्र और कृष्ण का परम मित्र। मैं कृष्ण का बड़ा भाई बलराम। मेरे होते कृष्ण को कोई कुछ नहीं कह सकता, कदापि नहीं। मैं कृष्ण की वरिष्ठ अष्ट सखियों में से एक हूं। मैं आचरण, गुण तथा रूप में
राधा के समान हूँ। मैं परिपूर्णतः संपन्न हूँ। मैं श्री राधा कृष्ण के हृदय के भावों को समझने में विशेष सक्षम तथा बुद्धिपूर्वक कार्य करने में अत्यधिक कुशल हूँ। जैसा कि आप सपने देखा, मैं चित्र विचित्र कार्य करने में अधिक निपुण हूँ और साम दान तथा वेद आदि को भी भली भांति जानती हूँ। दो अर्थों वाली कविताओं का निर्माण करना और शब्दों के जाल में फंसाना मेरी विशेषता है। मैं राधा कृष्ण की परम श्रेष्ठ गोपियों की अध्यक्ष हूँ। मैं मिलन तथा प्रेम कलह कराती हूँ। मैं राधा की पक्ष पाती हूँ और इस कारण माधव का अपराध भी कर बैठती हूँ। मैं पुष्पों का अलंकार, छत्र, शैया और एकांत में वार्तालाप करने के लिए बैठने योग्य कक्ष का निर्माण करती हूँ। और मैं ब्रज दुलारा कृष्ण हूं। मैं जगत का नियंता हूं, पर मुझे अपने प्रेम के नियंत्रण में रखने वाली कोई और ही है। चाहे मुझे लोग मनहर कहते हैं, पर मेरा मन हरने वाली तो कोई और ही है। चाहे लोग मुझे सर्व कारण कारणम कहते हैं, पर मेरे आनंद का कारण तो कोई और ही है। मेरी प्रियतमा, प्यारी राधा, आप मुझसे प्रेम करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो मेरी राधे से प्रेम करो। मैं हरी प्रिया, श्याम सेविका, राधे, माधुर्य में ना तो कोई इनके समान, ना ही कोई इनसे श्रेष्ठ है। ऐसे गोप नंद नंदन श्री कृष्ण ही मेरे वल्लभ हैं। परार्ध संख्या को परार्ध संख्या से गुणा करने पर जो संख्या होती है, मैं कृष्ण को अपने प्राणों से उतने गुणा अधिक प्रेम करती हूँ। मैं और मेरे स्वामी एक ही हैं।